संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाइव का महत्व। संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाइव का उपयोग आंकड़ों के अध्ययन में कई जगहों पर होता है, जैसे पहला, जब आंकड़ों के अध्ययन में एक दिए हुए मूल्य से कम या अधिक ज्ञात करना हो। दूसरा, ओजाइव का प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी किया जाता है। तीसरा, ओजाइव का प्रयोग केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे मध्यिका, चतुर्थक, शतमक आदि की गणना में किया जाता है। चौथा, विशिष्ट संचयी आवृत्ति में चर का कौन सा मूल्य शामिल है वह भी ज्ञात किया जा सकता है। हमने सीखा बिंदु एक, प्रारंभिक रूप से उद्देश्य विशेष को लेकर एकत्रित किए गए प्रेक्षण आंकड़े कहलाते हैं। बिंदु दो, जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है तो उनकी बारंबारताओं को ज्ञात करने के लिए हम मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हैं। बिंदु तीन, दिए हुए आंकड़ों में कोई विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उस संख्या को प्रेक्षण की बारंबारता कहते हैं। बिंदु चार, आंकड़ों के विभिन्न प्रेक्षणों की बारंबारताओं को दर्शाने वाली सारणी बारंबारता बंटन सारणी या बारंबारता सारणी कहलाती है। बिंदु पांच, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है तो आंकड़ों को समूहों में संगठित करते हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। बिंदु छह, आयत चित्र वर्गीकृत आंकड़ों का एक आलेखीय निरूपण होता है जिसमें प्रत्येक वर्ग के लिए एक आयत खींचा जाता है। जहां x अक्ष में वर्ग अंतराल एवं y अक्ष में ऊंचाई संगत बारंबारता से निर्धारित की जाती है। बिंदु सात, वर्ग के मध्य बिंदु को x अक्ष तथा आवृत्तियों को y अक्ष में लेकर बनाया गया बहुभुज आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। बिंदु आठ, दिए गए आंकड़ों के लिए किसी विशेष वर्गांतर की निम्न सीमा के बराबर या उससे अधिक निरीक्षणों की कुल संख्या होने पर अवरोही संचयी बारंबारता मिलेगी। बिंदु नौ, समूहबद्ध बारंबारता बंटन में यदि वर्गांतर भिन्न है तो सोपान आलेख में बारंबारता घनत्व के आधार पर आयतों की रचना करनी होगी। बारंबारता घनत्व बराबर श्रेणी की बारंबारता बटा वर्ग की लंबाई गुणित आंकड़ों की न्यूनतम श्रेणी। बिंदु 10, समान आंकड़ों का बारंबारता बहुभुज और संचयी आलेख का क्षेत्रफल समान होता है।